जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारा चैप्टर चल रहा है सीआरपीसी में 12 इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, जो कि 154 हमने कर लिया है, 155, 156, 157, 158 तक हमने कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है सीआरपीसी सेक्शन 159। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये क्या कहता है। पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, सच मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट में डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन और इफ ही थिंक फिट एट वंस प्रोसीड और डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सब ऑर्डिनेट टू हिम टू प्रोसीड to hold a preliminary inquiry into or otherwise to dispose of the case in the manner provided in this court। इसमें कहा जा रहा है ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश दे सकता है, या यदि वह ठीक समझे तो वह इस मतलब इस कोड में जो दिया हुआ है इस कोड के हिसाब से उस मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है, या अपने अधीन यानी कि जो उनका सब ऑर्डिनेट है किसी भी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मजिस्ट्रेट सर को एक ऐसा रिपोर्ट का यानी सच मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट, यानी यहाँ पर तो रिपोर्ट नहीं लिखा, कैसा रिपोर्ट, सच रिपोर्ट, ठीक है, ऐसा रिपोर्ट, तो कैसा रिपोर्ट, तो रिपोर्ट जो 157 के अंदर दे रहा था पुलिस, ठीक है, क्योंकि वहीं पर हमने पढ़ा था ना कि पुलिस एफआईआर मतलब जहां भी घटना घट रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस तुरंत क्या करेगा, मजिस्ट्रेट सर को इन्फॉर्म करेगा, तो मजिस्ट्रेट सर को तो वहीं से इन्फॉर्म रिसीव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी का बात कर रहे हैं 157 का। ठीक है, अगर उस तरीके का रिसीविंग मतलब रिसीव्ड हो रहा है इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट सर को, तो मजिस्ट्रेट सर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो प्राइमरी इंक्वायरी के लिए बोल सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, या फिर वो खुद भी कर सकते हैं और जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए किसी सबऑर्डिनेट को नियुक्त भी कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सीआरपीसी सेक्शन 160 क्या कहता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। वन, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ ऑफ एनी पर्सन बीइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन और एनी एडजॉइनिंग स्टेशन हु फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन और अदरवाइज अपीयर्स टू बी अक्वाइंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड सच पर्सन शैल अटेंड एज सो रिक्वायर्ड। इसमें कहा जा रहा है कि पुलिस के पास विटनेस बुलाने का जो पावर है उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस एक मतलब लेटर लिख सकती है, एक राइटिंग लिख सकती है, उस व्यक्ति को भेज सकती है जिस व्यक्ति जो व्यक्ति ठीक है जिस व्यक्ति को बुलाना चाहती है, और मतलब या तो वो व्यक्ति जो मतलब उसका खुद का जुरिडिक्शन है यानी कि उसके थाना क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगर थाना है तो उस थाने का व्यक्ति है जिसको पुलिस लेटर लिख रही है, या तो फिर एडजॉइनिंग स्टेशन यानी दूसरे स्टेशन यानी दूसरे पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में रहता है वो। ठीक है, तो पुलिस उसको भी भेज सकती है लेटर लिख के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे जो क्षेत्र में है हम सिर्फ उसी को लेटर लिखें, ऐसा यहाँ पर नहीं है। एडजॉइनिंग स्टेशन जो दूसरा स्टेशन है पुलिस स्टेशन उसके क्षेत्र में भी वो लेटर लिखकर उस व्यक्ति को इन्फॉर्म कर सकता है, भेज सकता है, अगर पुलिस को ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है कि वह व्यक्ति फैक्ट के बारे में जानता है, सर्कमस्टेंसेस के बारे में जानता है, या पुलिस को खुद ब खुद ऐसा लगता है फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस देखने के बाद कि यह व्यक्ति फैक्ट या सर्कमस्टेंसेस से अवगत है, इसको पता है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को अगर पुलिस लेटर लिखकर मतलब बुलाती है तो उस व्यक्ति को आना पड़ेगा, सेल अटेंड एज सो रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत पड़ेगा जब भी पुलिस लिख के भेजेगा तो वैसे पर्सन को पुलिस के समक्ष आना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टू बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट नो मेल, देखिए इसके ऊपर में सिर्फ दो बात इंपॉर्टेंट था। ठीक है, पुलिस किसको बुला सकती है राइटिंग में लिखकर, किसको ऑर्डर दे सकती है, या तो जो उसके अधिकार क्षेत्र में है वो, या दूसरे अधिकार क्षेत्र में है दूसरे थाने में है उसको भी बुला सकती है। ठीक है, और अगर पुलिस को लगता है कि वो व्यक्ति सब कुछ जानता है मतलब फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से वो अवगत है वो बता सकता है, तो पुलिस जब भी उसको बुलाएगा तो उस व्यक्ति को आना पड़ेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। Provided that no male person under the age of 15 years or above the age of 65 years or a woman or a mentally or physical disabled person shall be required to attend at any place other than the place in which such male person or woman resides। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति यानी अगर male है, ठीक है, जो male person है वो या तो 15 years मतलब या तो 15 years से नीचे है या तो 65 साल के ऊपर है, ठीक है, या फिर ladies है या फिर मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, अगर उसका अटेंडेंस जरूरी है, अगर उसको आप एज अ विटनेस एग्जामिन करना चाहते हैं तो फिर आप कहीं और नहीं बुला सकते उसका घर छोड़कर। ठीक है, जहां पर वो मेल पर्सन और वुमेन रिसाइड करता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, अगर वो महिला है, मेंटलिटी डिसेबल्ड है, 15 साल से नीचे है, 65 ईयर से ऊपर है, तो उस व्यक्ति के घर पर ही जाकर आपको एग्जामिन करना होगा, ठीक है। उसके बाद टू, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय द रूल मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ द रीजनेबल एक्सपेंस ऑफ एवरी पर्सन अटेंडिंग अंडर सब सेक्शन 1 एट एनी प्लेस अदर देन हिज रेसिडेंस। अब जो हमने ऊपर वन में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति को लेटर लिखकर बुला सकता है, अगर पुलिस उसका घर छोड़कर अगर वो व्यक्ति कहीं और जाता है, पुलिस मतलब एज अ विटनेस एग्जामिन करने के लिए अगर पुलिस बुलाता है उसका घर छोड़कर किसी दूसरे जगह पर, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको पैसा देना पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर जो है वो उसको एक रीजनेबल एक्सपेंस देगा, उसका आने जाने का खर्चा हो गया, एक टाइम खाने का खर्चा हो गया, ठीक है, तो वो सब पुलिस ऑफिसर देगा और जो गवर्नमेंट रूल बनाया है उस बिहाफ पर, ठीक है, वो भी फॉलो किया जाएगा। उसके बाद सीआरपीसी सेक्शन 161 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट 161 पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे उसका कुछ पता नहीं, लेकिन